नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है शुगर कैन फार्मिंग। आप देख रहे होंगे इस समय धान की पूरी तैयारी चल रही है। धान जो नर्सरी पौध, ये अभी देख सकते हैं आप वीडियो में, पौध को उखाड़ रही है लेबर। आप यहां से देख सकते हैं 12 से 13 लेबर लगे हुए हैं, इस समय 12 लेबर हैं। और आज शुरुआत की गई है ट्रांसप्लांट करने की, तो इससे पीछे देख सकते हैं आप नर्सरी की तैयारी कर रही लेबर। बैक साइड में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और भाइयों, जो हमारी बियड़ होती है, ये पौध होती है, ये 20 से और 25 दिन के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। 25 से ज़्यादा ऊपर दिन की नहीं होनी चाहिए जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अभी इसको पौध को उखाड़ने से पहले भाइयों 24 घंटे पहले यूरिया बिखेर देनी चाहिए, यूरिया डाल देनी चाहिए। यूरिया डालने से ये होता है भाइयों, जब हमारी ये ट्रांसप्लांट करके रोपाई के लिए खेत में जाती है, तो इसको पौध को नई जड़ों को विकसित करने के लिए कुछ इसको ताकत चाहिए, जो कि पुरानी जड़ें तो विकसित होंगी नहीं, नई जड़ें निकालने के लिए उसको कुछ ताकत चाहिए पौधे को। या आप जुबरेलिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे जुबरेलिक एसिड के बारे में भी बताया है, तो आप जुबरेलिक एसिड का प्रयोग करें। और जो हमारी ये पौधा लगेगा तो सीधा कांटेक्ट इसका होता है सूर्य से, जब ये रोपाई के लिए पौधा लग जाता है तो सीधा इसका कांटेक्ट रोपाई सूरज से होता है, धूप से होता है, किरणें जब पड़ती हैं। और जुबरेलिक एसिड लगाने से ये भी फ़ायदे हैं भाई, पीला नहीं, पौधा नहीं पीला होगा, हरापन बना रहेगा और वो जो है हरापन नहीं जाएगा, सेम ऐसे ही हरापन आपका खेत में भी रहेगा। जुबरेलिक एसिड के बहुत से प्रयोग किए गए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं, आप लोग भी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने भी लगा रखा इसमें जुबरेलिक एसिड। पौध की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पत्तियाँ हरी होती हैं और हरापन रहता है, चमकदार होती है पौध। तो भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज शुरुआत कर दी गई है। तो मैं कुछ आपसे, हाँ, आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। कितने आदमी हो? 12। 12 आदमी हो आप। एक दिन में कितनी रुपाई करते हो? 7 एकड़ एक दिन में, रुपाई कर देते हो? अच्छा जी, ठीक है। और हाँ जी, एकड़ का आप कितनी लेते हैं? 2500 रुपये लगवाई, एक एकड़ की 2500, एक एकड़ की 2500 लेते हैं भाई साहब एक एकड़ में लगवाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी नर्सरी का किस प्रकार से इतनी बताएंगे हमको, किसानों को? बहुत अच्छी है पौध। बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है जी, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी पौध है। अभी उधर भी लगा के आए, इस तरह की नहीं थी, इससे पहले लगाया आपने कहीं इधर क्षेत्र में? लगाया तो नहीं थी ऐसी? नहीं, ऐसी नहीं लगाया। अच्छा, उनकी ऐसी नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, अच्छी है जी। तो ये बता रहे हैं कि आपकी पौध बहुत अच्छी है और ग्रोथ है और अच्छी है। उखाड़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? उखाड़ने में दिक्कत तो नहीं? उखाड़ने में दिक्कत नहीं है, बहुत सफाई में निकलती है। बहुत सफाई से निकल रही भाइयों। और इसका आप लोग वीडियो को लाइक करें जरूर भाइयों, लाइक करना मत भूलेंगे। आगे मैं फिर बताऊँगा आपको अगले वीडियो में धान की रुपाई में खरपतवार को कैसे रोका जाए और कितना उर्वरक का प्रयोग किया जाए। धन्यवाद।